आप सभी लोगों को नमस्कार। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास फोर का मैथ, और क्लास फोर के मैथ में जो पहला चैप्टर शुरू होगा उस पहला चैप्टर का नाम बोर्ड पे लिखा गया है। तो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये स्टार्ट हो रहा है क्लास फोर का मैथ। तो एक एक नियम को सीखते चलेंगे, जब नियम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो एक्सरसाइज के प्रश्नावली के जो सवाल होंगे बेहतर तरीके से हल हो पाएंगे। तो चलिए कुछ नियम सीखते हैं और इसको सीख करके उस प्रश्नावली में प्रवेश करते हैं। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं। पहली चीज देखिए, ये जो चैप्टर वन है रोमन एवं क्षेत्रीय संख्यांक, ये क्लास फोर का है और ये पार्ट वन है। तो ये पहला है वीडियो क्लास फोर के लिए। इसके बाद जैसे जैसे क्रम इसका आगे बढ़ता जाएगा, एक एक फंडा जो बच्चों के लिए क्लियर करना है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज देखिए लिखा है संख्या। संख्या किसे कहते हैं? संख्या से जो मैथ है तो मैथ की शुरुआत तो संख्या से ही शुरू होती है। तो संख्या के बारे में जानना जरूरी है कि संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या की परिभाषा होती क्या है? जब कितनी वस्तुएं हैं, वस्तुओं का कितनी वस्तुएं हैं जो इसका बोध कराए वो उसका संख्या कहलाता है। वस्तुएं कितनी हैं जो इसका बोध कराएगा वो संख्या होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे कबूतर, यहाँ पर लिखा हुआ कबूतर वस्तु हो गई और कितनी है वहाँ बगल में लिखा हुआ है पाँच। तो पाँच हो गया संख्या और कबूतर हो गई वस्तु। कबूतर वस्तु हो गया और संख्या हो गया पाँच। तो इस तरह से जो वस्तु होती है, जो वस्तुएँ कितनी हैं जो इसका बोध कराता है उसे हम संख्या कहते हैं। वैसे घड़ी दस, घड़ी कितनी है बोध कौन करा रहा है? दस। तो दस संख्या कहलाएगा। किताब, किताब वस्तु है और किताब कितनी है वो है आठ। तो आठ बोध करा रहा है तो वो संख्या कहलाएगा। आदि ऐसे ही प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं संख्यांक, संख्यांक की परिभाषा। जैसे हम किसी भी वस्तु को जब गिनना शुरू करते हैं तो कितना है उसको किसी न किसी प्रतीक से हमको लिखना पड़ता है। जैसे अगर चार और चार चिड़िया जोड़ा जाए तो आठ आएगा, लेकिन आठ लिखेंगे कैसे? उसके लिए एक प्रतीक की ज़रूरत होती है और उस विशेष प्रतीक को हम संख्यांक कहते हैं। यानी जो संख्या का अंक है, चिड़िया जो है आठ है तो आठ तो संख्या हो गया, लेकिन उसको जिससे हम व्यक्त करेंगे, संख्या को जिससे हम व्यक्त करेंगे उसको हम संख्यांक कहेंगे। ठीक है, संख्या को जिससे हम व्यक्त करेंगे उसको हम संख्यांक कहेंगे। तो चिड़िया तो हो गई आठ, तो अंगुली मान लीजिए अगर आठ अंगुली आप गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास आठ अंगुली हो गया, लेकिन आठ लिखेंगे कैसे? तो आठ तो बोल रहे हैं, लेकिन आठ को लिखने के लिए जो प्रणाली अपनाई गई, जो प्रतीक चुना गया उसी को हम संख्यांक कहते हैं। तो आठ को कैसे लिखेंगे? तो ये आठ ऐसे लिखेंगे, तो ये आठ जो है आपके लिए संख्यांक होगा। यानी संख्या को जिन प्रतीक के सहारे लिखा जाता है, संख्या को जिस प्रतीक का सहारा लिया जाता है, चिन्ह का सहारा लिया जाता है, उसे हम संख्यांक कहते हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं किसी पेड़ पर 10 चिड़िया है और उसमें से 3 चिड़िया उड़ गई, तो पेड़ पर कुल कितनी चिड़िया बची? तो 7 बची। तो 7 आखिर लिखेंगे कैसे? तो 7 को लिखने के लिए जो संकेत प्रयोग हुआ, जैसे ये हो गया आपका 7, ये प्रतीक प्रयोग पहले से हो रहा है, ये संकेत है, इसके लिए जो ये प्रयोग हुआ, इस प्रयोग किए जाने वाले को ही संख्यांक कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। चलिए हम संख्यांक के आगे जो इसकी परिभाषा लिखे हैं, उदाहरण लिखे हैं, सब पढ़ लेते हैं। देखिए, जिन विशेष प्रतीकों से संख्याएं प्रदर्शित की जाती हैं वे उस प्रणाली के अंग कहलाते हैं। अच्छा, जो ये प्रतीक प्रयोग किया जाता है, संख्या के लिए जो संख्यांक प्रयोग किया जाता है, इस संख्यांक को ही अंक कहा जाता है। इसी को आगे चल के संख्यांक को अंक कहा गया। अंक
यानी संख्यांक और अंक में फर्क नहीं है। अंक का मतलब संख्यांक, संख्या का जो अंक है वो संख्यांक है, उस संख्यांक को ही हम अंक कहेंगे। तो ये तो समझ में आ गया, इन सब अंक है, 7, 8, 6, 5, 4 प्लस माइनस जो भी है, 0 भी एक अंक है। अगर 5 चिड़िया है उसमें 5 चिड़िया उड़ गई तो कितनी चिड़िया बची, तो इसको लिखने के लिए एक संकेत चाहिए होता है। तो ये संकेत है 0। अगर 5 में से 5 चिड़िया को माइनस करेंगे तो कुल टोटल हो जाएगा 0। तो 0 को 0 एक संकेत है, शून्य, शून्य का एक संकेत, इस तरह का सिंबल है ये। तो ये इसका अर्थ है कि कुछ भी नहीं बची। तो इसके लिए इसको क्या कहेंगे, संख्यांक कहेंगे, और संख्यांक ही अंक होता है। तो चलिए अब आगे हम और भी उदाहरण और भी इसके नियम सीखते हैं। अब इसको नोट कर लें और आगे इसके और नियम सीखते हैं। तो देखिए, संख्यांक को ही प्रतीक कहते हैं और प्रतीक को ही अंक कहते हैं। तो सब जगह का अपना, हर भाषा का क्षेत्रीय प्रतीक होता है। तो क्षेत्रीय प्रतीक में ही एक रोमन अंक प्रतीक होता है। तो रोमन अंक के प्रतीकों को कुछ बेसिक प्रतीक हैं जिसको जानना जरूरी है। तो देखिए, रोमन अंक में जो रोम निवासी हैं, यूरोप के एक रोम राज्य था जहाँ पर रोमन भाषा का इस्तेमाल होता था, तो उन्हीं रोमन भाषा में जो 1, 2, 3 होता है उसको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ सिंबल दिया हुआ है, उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ लाइन पढ़ते हैं। रोमन संख्यांक, रोमन संख्यांकों का प्रयोग रोम निवासी संख्याओं को लिखने के लिए करते हैं। रोमन संख्यांकों, देखिए संख्यांकों या संख्याओं है, संख्यांकों का मतलब है जो चिन्ह का प्रयोग किया गया, जो प्रतीक का प्रयोग किया गया। कोई सिंबल होता है ना, किसी भी चीज के लिए कोई सिंबल होता है ना, जैसे आप देखते हैं इस तरह से लिखा रहता है, तो इसको कहते हैं ये डॉक्टर का प्रतीक है, यानी चिकित्सा का प्रतीक है, एक मेडिकल का प्रतीक है। तो ये चीज आप एक चिन्ह प्रयोग करते हैं ना, तो इस तरह से जब किसी भी संख्या को लिखने के लिए जो संकेत प्रयोग किया जाता है उसी को हम संख्यांक कहते हैं, और वही संख्यांक प्रतीक कहलाता है, और उसी प्रतीक को अंक कहते हैं। तो सिंपल है। अब यहाँ पर भी कुछ रोमन भाषा में, रोमन लैंग्वेज में कैसे इस्तेमाल होता है प्रतीक, उसको सीखते हैं, और ये चैप्टर रोमन से ही संबंधित है, इसलिए शुरुआत करते हैं रोमन के प्रतीक से। तो रोमन का प्रतीक देखिए, ये आई है, आई को 1 से लिखते हैं। रोमन में आई का मतलब 1 होता है, अपने वहाँ हम लोग 1 बोलते हैं, इसको हिंदू अरबी संख्या कहते हैं, ये हिंदू अरबी संख्या है और ये रोमन है। अब 1 लिखना है तो रोमन में आई लिखना पड़ेगा। ये भी का मतलब होता है 5, ठीक है, ये हिंदू अरबी है और ये आपका है रोमन। और एक्स का मतलब होता है 10, L का मतलब होता है 50, और C का मतलब होता है 100, D का मतलब होता है 500, और M का मतलब होता है 1000। तो इस तरह से ये हो गया हम लोगों का, यानी कि हिंदू अरबी भाषा संकेत, और ये हो गया हमारा रोमन संकेत, ये हो गया हिंदू अरबी संकेत। तो इस तरह के संकेत को सीखना शुरू किए हैं, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। आई का मतलब 1, वी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, और डी का मतलब 500, और एम का मतलब 1000। तो इस तरह से आप नोट कर लें, अब आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलिए कुछ नियम सीखते हैं। देखिए, रूल नंबर फर्स्ट, रोमन संख्याओं में शून्य के लिए कोई संकेत नहीं होता। हिंदू अरबी में शून्य के लिए कोई भी चीज़, जैसे 5 कलम थी और 5 कलम गायब हो गई तो कितनी कलम बची, तो हिंदू अरबी में इसको ऐसे लिख देते हैं कि 0 कलम बची। लेकिन रोमन में इसका कोई संकेत नहीं है। जैसे आपको बता दें, 1 होता है तो इसके लिए आई लिखते हैं, 5 होता है तो भी लिखते हैं, 10 होता है तो एक्स लिखते हैं, लेकिन 0 होता है तो क्या लिखते हैं, ये रोमन भाषा में नहीं है। 0 के लिए कोई संकेत रोमन भाषा में नहीं है। ये था रूल नंबर फर्स्ट।
अब इसके बाद सीखेंगे रूल नंबर सेकंड। आइए दूसरा रूल सीखते हैं। दूसरा रूल ये दिया हुआ है, बड़ी संख्या के बाईं ओर छोटी संख्या लिखने का अर्थ घटाना होता है। तो देखिए उदाहरण से हम समझ लेंगे कि किस तरह से घटाना का नियम हो जाता है। अगर बड़ी संख्या के पहले छोटी संख्या हो तो वहाँ पर घटाना होता है, यानी कि ये आई है और ये भी है, तो भी का मतलब होगा 5 और आई का मतलब हो गया 1। तो इसका मतलब है 1 पहले और 5 बाद में है, तो छोटा पहले है और बड़ा बाद में है, इसलिए यहाँ पर घटाने का नियम लिखेंगे। हिंदू अरबी अंक आपको प्राप्त करना है। हिंदू अरबी अंक प्राप्त करने के लिए आप देखेंगे कि ये पहले छोटा और बड़ा बाद में है, यानी देखिए आई का मतलब 1 होगा और भी का मतलब 5 होगा। अब आपको देखिए इस पे दो चिन्ह आपको लगा सकते हैं, या तो प्लस या तो माइनस। आपको पकड़ना है कि यहाँ प्लस लगेगा कि माइनस। तो जब पहले छोटा हो उसके बाद बड़ा हो तो हमेशा माइनस लगेगा, यानी इसको माइनस में उत्तर नहीं लाएंगे हम। उत्तर तो माइनस में आ रहा है लेकिन माइनस में नहीं, हमको डायरेक्ट उत्तर लिखना है। तो हम डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे, अगर इसको देख के आप हल करेंगे तो -4 आंसर आएगा। लेकिन हमको ये काम नहीं करना है, हमको क्या करना है कि हमको जो बड़ा होगा उसी में से छोटा घटाना है, ठीक है ना। तो बड़ा होगा तो छोटा घटा देना, जैसे 5 में से 1 घटा के 4 लिखे, तो ऐसे नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप बताना है, आपको डायरेक्ट बताना है। तो आप बताइए बी का मतलब 5 है, इसका मतलब 1, तो 5 में से 1 गया तो हो गया 4, तो इसका मतलब हो गया 4। उसी तरह से x का मतलब 10 होता है और 1 का मतलब i का मतलब 1 होता है, तो 10 में से 1 गया तो ये हो गया 9। तो अब ये इसी तरह हल करना है। तो आप सीखे कि छोटा पहले बड़ा बाद में, तो हमेशा घटाते हैं। और अगर ये उल्टा हो जाए, तो इस जो उल्टा हो जाए तो क्या होगा, ये वाला इधर है तो जोड़ेंगे, उल्टा हो जाएगा जोड़ेंगे, जैसे x और i हो। तो इसका मतलब क्या है, ये बड़ा पहले छोटा बाद में है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये 10 होगा और 1 मिलके 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्रम था, ये रूल है, इस रूल को भी आप सीख लें। आइए अगला रूल सीखते हैं। अगला रूल है रूल नंबर 3, और 3 रूल में क्या महत्वपूर्ण है देखिए। आई एक्स सी और यम को एक बार, दो बार या 3 बार लिखने से उसका मान क्रमशः 1, 2, 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग हजार में, सैकड़ा में, दहाई में और इकाई में इस चीज़ को देखना है कि हजार को लेकर के किस तरह 3 गुना हो रहा है, और सैकड़ा को लेकर के किस तरह 3 गुना हो रहा है, दहाई को लेकर किस तरह 3 गुना हो रहा है, और इकाई को लेकर किस तरह से 3 गुना हो रहा है। तो अगर हजार की बात करें तो यम का मतलब होता है हजार, और डबल एम दुगुना हुआ, और ट्रिपल एम 3 गुना हुआ, इसका जरूरत नहीं है। उसी तरह से सैकड़ा में क्या होता है, सैकड़ा का मतलब होता है सी, सी मतलब 100, और ये हो गया 2 गुना, और ये हो गया आपका 3 गुना, ठीक है। दहाई का मतलब होता है एक्स, एक्स का मतलब यहां पर हो गया 10, और ये हो गया इसका 2 गुना, 2x, डबल बार लिखते हैं, और ये ट्रिपल एक्स इसका मतलब हो गया 3 गुना, और इकाई का मतलब होता आई, आई, और इसको 2 बार लिख देंगे तो ये हो गया 2 गुना, और ये हो गया आपका 3 गुना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 3 गुना से ज्यादा नहीं होता है, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना इस तरह नहीं होता है। तो आप देखिए केवल 3 गुना मैक्सिमम होता है, और भी सभी अक्षर का नहीं होता है, यानी सभी संख्याओं का नहीं होता है, इन्हीं संख्याओं का होता है, यम का, सी का, एक्स का और आई का। तो ये 4 आपके पास हैं जो 3 गुना अधिक से अधिक हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो यम का मतलब होता है 1000, अगर कहीं 2 बार यम लिखा है तो इसका मतलब हो गया 2000, अगर कहीं 3 बार हम लिखा है तो इसका मतलब है 3000। उसी तरह से ये हजार में था, ये हजार एम के लिए होता है। अब सैकड़ा की बात करते हैं, सैकड़ा एक सी का मतलब होता है 100,
और दो सी का मतलब होता है 200 और तीन सी का मतलब होता है 300, है ना। इस सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, दहाई का मतलब 10, तो ये एक्स का मतलब हो गया 10 और 2x का मतलब हो गया 20 और 3x का मतलब हो गया 30, ठीक है ना। वैसे इकाई का मतलब है एक आई रहेगा तो इसका मतलब एक एक, और दो बार रहेगा तो इसका मतलब है दो, और तीन बार रहेगा तो इसका मतलब है तीन। अब इससे ज्यादा बार नहीं रहेगा, मैं पहले बता चुका हूं, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद करना है, रखना है, दिमाग में रखना है, तब आप चैप्टर के सवालों को हल कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 4। चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि वी कामा, कर लीजिए हाँ, वी कामा एल और डी को केवल एक बार ही लिखा जा सकता है, लगातार दो या अधिक बार लिखना गलत है। जैसे आपको बताया एम को तीन बार लिख सकते हैं अधिक से अधिक, सी को तीन बार, एक्स को तीन बार, आई को तीन बार, लेकिन वी को एल को डी को, इन तीनों को आप दो बार भी नहीं लिख सकते हैं। तीन बार की बात ही छोड़ देना है, दो बार ही नहीं लिख सकते हैं, दो से ज़्यादा तीन बार चार बार तो लिखना ही नहीं है। इस तरह से इसको हमेशा अकेला लिखा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। जैसे वी को अगर आप एक बार लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया 5, और डबल भी नहीं लिख सकते हैं, डबल भी नहीं लिख सकते हैं, जो कि जो देखिए डबल या ट्रिपल लिखा जा सकता है, इससे पहला रूल नंबर 3 में सिखा दिया गया है, और बाकी इसको सिंगल ही लिखा जाएगा। किसको किसको, वी को एल को और डी को, तो यानी कि एल का मतलब हो गया 50 और डी का मतलब हो गया 500, ठीक है। तो ये आपका जो बी एल डी है इसका मतलब सिंगल ही लिख सकते हैं, यानी कि बी दो बार, एल डी दो बार, एल दो बार, डी तीन बार, ऐसे मतलब इस तरह से ऐसे लिखना गलत है, ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। सिर्फ सिंगल भी लिखेंगे और सिंगल एल ही कहीं यूज होगा और डी कहीं भी होगा तो एक बार यूज होगा, तो ये हमेशा सिंगल के लिए बना है, इसको डबल ट्रिपल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले पार्ट में हम आपको आगे का नियम बताएंगे, तो चलिए आज के लिए इतना ही सीखते हैं, अगले पार्ट में फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।